हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड चैनल में। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसको ऑन करके दिखाया, कैसे इसका काम था, कैसे प्रोग्राम देना है इसके अंदर, वो सारा। इसके अंदर दोस्तों सब कुछ फीड है, आपको सिर्फ इसके अंदर प्रोग्राम डालना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस पीसीबी के अंदर खास बात और इसके जो कनेक्शन है। तो दोस्तों देखिए, ये पीसीबी सभी वॉशिंग मशीन में इंस्टॉल हो जाएगी। और दूसरी बात ये दोस्तों, अगर कोई भाई सोचता है कि सेम जैसे जो कंपनी की पीसीबी होती है वैसे काम करें, तो वैसे काम नहीं करेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो दोस्तों चलिए, आज हम जानते हैं कि इसके दोस्तों कनेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए आज हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करा करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपको ऐसी वीडियो बनाकर बताने का। ठीक है, तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमें वायरिंग बताएं, वायरिंग बताएं। तो जो हमारा भाई ये पीसीबी परचेज करता है, उसके पीछे पूरा वायरिंग डायग्राम होता है और प्लस नीचे लिखा होता है इसके एरर कोड, इसके एरर कोड क्या क्या हैं। तो दोस्तों आज हम एरर कोड के बारे में जान लेते हैं। E1 है इन फेल वाल्व फॉर दी फॉल्ट, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा E2 है ड्रेन वाल्व फॉल्ट, और तीसरा है ED डोर लॉक फॉल्ट, E3 वाटर लेवल सेंसर, ठीक है। वाटर लेवल सेंसर सभी को पता है, ये वाला होता है दोस्तों, ठीक है। और E4 है मोटर फॉल्ट, E5 है टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट, E7 है एक्सक्लूसिव वाटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे सारे एरर कोड हो गए। प्लस अभी हम बात करते हैं वायरिंग की। दोस्तों वायरिंग डायग्राम यहाँ दिया गया है, आप यहाँ पर पीसीबी में भी देख सकते हैं, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, आप देखिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ न्यूट्रल फेस, यहाँ पे न्यूट्रल फेस, ठीक है। और मतलब इन्होंने सब कुछ सेम बनाया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हीटर का ये लगा रखा है इन्होंने, डोर लॉक की वायरिंग के लिए ये रखा है, प्रेशर टेस्ट सेंसर के लिए ये यहाँ पे दे रखा है हाई लो के लिए, और डोर लॉक की यहाँ से। तो दोस्तों सबसे बड़ी हमारे दोस्तों को दिक्कत आती है, डोर लॉक की वायरिंग कैसे करें। तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म दिया है दोस्तों, इस चीज़ को समझिए पहले। देखिए इसके अंदर ये देखिए मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये देखिए समझा रखा है इन्होंने। ये बीच वाला पॉइंट यहाँ टच होता है और यहाँ वाला से पॉइंट यहाँ बाहर जाता है। तो दोस्तों समझिए, मतलब 3 और 1 हमारा आपस में टच होता है ऐसे। अगर हमें कभी प्रेसिडेंट सेंसर डायरेक्ट करना है, ये डोर लॉक डायरेक्ट करना है, तो 3 और 1 को डायरेक्ट कीजिए, हमारा डोर लॉक डायरेक्ट हो जाता है। और इस पे मोटर के कनेक्शन समझा रखे हैं दोस्तों, देखिए रोटर पे तो लगने हैं कार्बन वाले वायर दोनों, और स्टेटर पे लगने हैं हमारा जो फील्ड वायर होती है, ठीक है दोस्तों। और ये स्पीड दिखा है यहाँ पर, टैकोमीटर जो होता है हमारा स्पीड मीटर, उसके वायर लगेंगे, ठीक है। और बचता है हमारा ये वाला साइड, यहाँ पे हम देख सकते हैं आपको इनलेट वाल, इनलेट वाल, ड्रेन वाल, ठीक है। तो यहाँ पे सारा इसने मैकेनिज्म पूरा दे सकता है दिया दोस्तों, वो आपको समझने की जरूरत है। ये देखिए, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, ये टेम्परेचर हीटर का है और ये हीटर का, ठीक है। तो दोस्तों आप इससे वायरिंग देखकर वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर किसी भाई को इसकी पीसीबी की रिक्वायरमेंट हो तो 9991326705, 9991326705 पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पीसीबियां, फ्रिज की, एसी की, और दोस्तों उनको डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए मॉड्यूल सभी मिल जाएंगे, और फ्रंट लोड टॉप लोड की हमारे पास यूनिवर्सल पीसीबियां हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।